हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसमें कर्ल बताती हूँ कि किस तरीके से हमें कर्ल करना चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास डीएम्स आए हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट बॉक्स पे भी। आप लोग कई बार मुझसे पूछ चुके हो कि जो बिगनर्स हैं उन्हें कर्ल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वीडियो फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हालाँकि इससे पहले भी मैं आप लोगों को कई सारी क्लासेस हाउ टू डू कर्ल करके ऐसे मैं आप लोगों को बहुत सारी बात सिखा चुकी हूँ, लेकिन इट्स डोंट वरी, जब तक आप लोगों को एक को भी प्रॉब्लम होगी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो जो लोग मेरे पहली बार ये चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन लोगों को बता दूँ कि मैं लेकर आती हूँ यूट्यूब पर अपने अनामिका जॉय सिंह यूट्यूब चैनल पर पार्लर से रिलेटेड, यानी कि मैं इसमें ऑनलाइन पार्लर का कोर्स सिखाती हूँ। हर एक चीज़ जितनी भी पार्लर से रिलेटेड होती है सारी चीज़ें इंक्लूडिंग मेकअप। तो अगर आप लोगों को मेरे मेकअप देखने हैं और किस तरीके से मैं मेकअप करती हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर छोटे वालों में करके दिखा रही हूँ, जिससे कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इवन जो बिगिनर होते हैं वो हमेशा अगर छोटे वालों में करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, बाल संभाल भी पाएंगे आप और अच्छे से यू नो कर्ल कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने यू नो सेंटर पार्टी निकाली। कर्ल करना बहुत सिंपल होता है, बट आपको कुछ ट्रिक्स को यू नो अप्लाई करना होता है। उन अगर ट्रिक्स को आप अप्लाई करेंगे, देखिए आपके सामने हमने बालों पे यू नो सेक्शन क्लिप लगा ली। आप चार सेक्शन क्लिप रखें अपने पास, उसके बाद बिल्कुल रफली, या मतलब आप चाहें तो थोड़ा मतलब ज़्यादा वो करने ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ही एकदम पतली पतली सी लाइन नहीं निकालनी है। मीडियम आप हेयर्स को निकालिए और इस तरीके से कर्लर को आप ऑलरेडी टेम्परेचर पर सेट कर दीजिए, हाई टेम्परेचर पर रखिए। बेसिकली जो कर्लर्स होते हैं वो 250 तक इनका टेम्परेचर होता है, वहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आप आउटर, मैं भी और दिखा दूँगी आपको एक बार, एक कर्लर लेके और उसमें आपको अंदर की साइड यू नो इन मतलब अंदर की साइड एक बार और देख लेते हैं। चलिए इस तरीके से आपने बाल निकाला। आप चाहें तो कॉम की हेल्प भी ले सकते हैं या फिर आप हैंड से भी कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। कर्ल करना बहुत सिंपल होता है और इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको जरा समझ में आएगा, आपको हाफ़ बाल लेने हैं, पूरे नहीं लेने, नहीं तो ऊपर से हो जाएंगे और आजकल हाफ़ चलते हैं। तो आपको क्या लेना है, हाफ़ बाल कर्ल मतलब बाल को लेना है और अंदर की तरफ ऐसे करना है और अंदर की तरफ करते हुए घुमा के कुछ सेकेंड्स का वेट करेंगे आप। एक से दो सेकेंड का वेट करने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा एक सेकेंड का वेट करेंगे आप, उसके बाद आप इस तरीके से बालों को छोड़ देंगे तो धीरे 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 करके सारे कर्ल हो जाएंगे। ये तो मैं आपको इसलिए यहाँ से ऐसे दिखा रही हूँ जिसके आपको समझ आएगा। आप देखिए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि आपके जो हेयर्स होंगे आपके, इसके वजह से हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोई भी नई चीज़ एकदम से क्लाइंट पे आपको यू नो इम्प्लीमेंट नहीं करनी है। आप पहले फैमिली फ्रेंड्स के साथ यू नो अप्लाई करके देखिए। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पहले अपनी मम्मी के, बहन के, किसी के भी बालों पे प्रैक्टिस करके देखिए, उसके बाद आप अपने क्लाइंट पे करिए। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान रखिए करिए। जो चीज़ मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ पहले करें। फिर से अपन एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से आपने बालों को निकाला, आपने अंदर की साइड बालों को घुमाया, अंदर की साइड घुमा ना, अंदर की साइड बालों को घुमाते हुए आपको कुछ सेकंड्स का भी यहाँ पर वेट करोगे आप। एंड देन सेकंड्स का हमें इसलिए वेट करना है क्योंकि अगर बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है ना तो आप कुछ थोड़ी देर ज़्यादा वेट करेंगे। अगर आपके क्लाइंट के बाल थोड़े से ड्राई हैं तो आप उसको जल्दी भी कह सकते हैं, क्योंकि ड्राई बाल इतने जल्दी कर्ल में खुलते नहीं है, लेकिन जो ऑयली बाल होते हैं, ऑयली हेयर्स होते हैं, सिल्की हेयर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास तौर का ध्यान रखना है आप लोगों को। आपको एक भी बाल नहीं छोड़ने हैं और इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए आपको सारे बाल जो हैं कर्ल कर लेने हैं। आप इस तरीके से आगे के हेयर्स जब आप कर्ल कर रहे हो तो इस तरीके से भी आप यू नो कर्ल कर सकते होंगे। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं थोड़ा सा सीधा जो खड़ा हुआ है, इस हिसाब से आप कर्लर को कर सकते हैं।
ये बात तो वही है, चाहे आप चाहें तो जैसे आप कर रहे थे वो भी कर सकते हैं। और कई बार ना जो खुलने वाला कर्लर होता है वो उससे बिगनर्स को थोड़ा प्रॉब्लम होती है करने की। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली वीडियो बनाया है। तो आप इस तरीके का भी कर्लर ले सकते हो कि जिसमें आपको ओपन करने का नहीं हो, सीधा आपने टेम्परेचर सेट किया और आप सीधे हेयर्स पर सेम इसी तरीके से लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको कर्ल करने होते हैं, फ्रंट हेयर पे भी इसी तरीके से करते हैं और पीछे के बालों पे भी इसी तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हम कर्ल कर सकते होंगे। और आप बिगनर्स हैं तो फिर से याद दिला दूं, अगर आप बिल्कुल शुरुआती कर्ल करना सीख रहे हैं तो छोटे हेयर्स पे करें, क्लाइंट पे अभी बिल्कुल भी ट्राई ना करें। कर्लर अच्छा है तो आप बिगनर हो तो आप मीडियम टेम्परेचर पर रख सकते भी रख सकते हैं, क्योंकि बिगनर्स ऐसा ना हो कि बाल जला दें। वैसे अगर आप अच्छी कंपनी का कर्लर लेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि आपके क्लाइंट के बाल जल जाएं। तो आप इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के किसी के ऊपर कर लें, फ्रेंड के ऊपर कर लें। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये पूछेंगे कि कौन सा कर्लर अच्छा है। तो आप VNG जो कंपनी आती है ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं आप, वो काफ़ी अच्छा कर्लर है, वो देख सकते हैं। या फिर फिलिप्स के देख सकते हैं अगर आपको किसी ब्रांड में जाना है। वैसे जो पार्लर और सैलून्स पे चलते हैं वो VNG बेस्ट होता है, तो आप वो वाले कलर देख सकते हैं। तो ये थी आज हमारी पूरी कर्ल की क्लास। और बिगनर्स हमेशा याद रखें, आपको छोटे हेयर्स पे ही करना है और पहले किसी फ्रेंड्स फैमिली पे करके देखिए, उसके बाद आप लाइन पे ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो एंड तक समझ आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी जल्दी से मुझे फॉलो कर दीजिए। चलिए जाने से पहले ये बता दूं कि इस तरीके से आप कर्ल करने के बाद हेयर स्प्रे आता है, मार्केट में मिलता है किसी भी कंपनी का हेयर स्प्रे, आप अच्छे से बालों के ऊपर लगा देंगे तो ये कर्ल स्टिक रहेंगे। ओके, टेक केयर गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।